पिज्जा भी कहते हैं, हमारे किचन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और इन्हें खरीदते समय अगर आप कंफ्यूज हैं कि हम किस साइज का लें, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कितने बर्नर वाला चूल्हा खरीदना चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैंने अपने किचन में 2 बर्नर 3 बर्नर 4 बर्नर जो अभी भी इस्तेमाल कर रही हूँ, और बहुत सारे वीडियोस में आपने इसे देखा भी होगा, ये सभी इस्तेमाल किए हैं। और आज मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैंने इसे कब चेंज किया, क्यों चेंज किया, और खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगभग हम सभी लोगों ने स्टील के 2 बर्नर वाले चूल्हे जरूर इस्तेमाल किए होंगे। मैंने भी इन्हीं पर खाना बनाना शुरू किया था। आज भी ज्यादातर घरों में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। फिर फैमिली मेंबर्स बढ़ने के साथ ही खाना बनाने में समय बचाने के लिए मैंने 3 बर्नर वाला कुकटॉप खरीदा और लगभग 5 साल इन्हें इस्तेमाल किया। पिछले 1 साल से मैं 4 बर्नर वाला चूल्हा इस्तेमाल कर रही हूँ। अपने इसी एक्सपीरियंस को मैंने कुछ पॉइंट्स पे कंपेयर करने के लिए बांटा है, जिसे आगे हम डिटेल में जानेंगे। तो कुकटॉप खरीदने से पहले हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि कितने बर्नर वाला चूल्हा हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। इसका थंब रूल है ये चार्ट। अगर आप बैचलर हैं और अकेले रहते हैं तो सिंगल बर्नर वाला चूल्हा सही रहेगा। अगर फैमिली में 2 से 3 मेंबर हैं तो 2 बर्नर वाला कुकटॉप। अगर फैमिली में 3 से 5 मेंबर हैं तो 3 बर्नर वाला कुकटॉप लेना चाहिए। और अगर फैमिली बड़ी है, मतलब 5 मेंबर्स से ज्यादा है, तो 4 बर्नर वाला कुकटॉप परफेक्ट है। हमें कितने बर्नर वाला चूल्हा खरीदना है ये डिपेंड करता है फैमिली साइज और हमारे खाना बनाने के स्टाइल पर। दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है कुकटॉप का साइज। ज्यादातर कुकटॉप स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में आते हैं। चूल्हा खरीदने से पहले इसे जिस जगह भी सेट करना है उसकी लेंथ और ब्रेथ जरूर नाप लें, जिससे चूल्हा खरीदने के बाद उसे सेट करने में परेशानी ना हो। मैंने काफी लोगों के यहाँ देखा है बिना काउंटर साइज का ध्यान दिए बड़े साइज का कुकटॉप ले आते हैं, जो काउंटर पर प्रॉपर फिट नहीं होते और देखने में भी बहुत खराब लगते हैं। कुकटॉप के आगे और बैक साइड में कम से कम 10 सेंटीमीटर या 4 इंच का स्पेस जरूर छूटा होना चाहिए। ये सेफ्टी के लिए जरूरी है। खाना बनाने में काफी आसानी होती है। और सबसे जरूरी चीज, आगे पीछे थोड़ी जगह छोड़ने से स्टोव क्लीनिंग में आसानी होती है। जैसे मेरे 4 बर्नर वाले कुकटॉप का साइज ये है। लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8.5 सेंटीमीटर, और इसके आगे पीछे 10 सेंटीमीटर की स्पेस खाली है। तीसरा पॉइंट आता है कुकटॉप स्टील का लें या टफन ग्लास का। तो पर्सनली मुझे टफन ग्लास का ही कुकटॉप पसंद है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन किचन में स्टील वाले से ज्यादा एलिगेंस और सुंदर लगता है। इन्हें क्लीन करना काफी आसान होता है और चमक काफी लंबे समय तक बनी रहती है। इनमें रस्टिंग नहीं होती और स्क्रैच नहीं लगते। वहीं दूसरी तरफ स्टील वाला चूल्हा सस्ता होता है, थोड़ा हल्का होता है, लेकिन इनकी चमक जल्दी खत्म हो जाती है। स्क्रैच और स्टेन्स भी एक प्रॉब्लम है। कुछ लोगों से मैंने सुना था कि टफन ग्लास वाले कुकटॉप पर ज्यादा देर, जैसे 1 या 2 घंटे लगातार खाना बनाने से ये हीट हो जाते हैं और ग्लास टूटने का डर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी बर्तन हम हमेशा स्टैंड पर रखकर गर्म करते हैं, और मॉडर्न टफन ग्लास में सेफ्टी का अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। हाँ, ज्यादा गर्म बर्तन हमें डायरेक्ट ग्लास पर वैसे भी नहीं रखना चाहिए, जो नॉर्मली हम रखते भी नहीं। बर्नर के स्टैंड पर ही गर्म बर्तन रखना चाहिए। टफन ग्लास वाले कुकटॉप में एक चीज पता होनी चाहिए कि इसके ग्लास वाले पार्ट की थिकनेस, मतलब मोटाई, जितनी ज्यादा होगी चूल्हा उतना ही सेफ और अच्छा होगा। लगभग 7 to 8 mm थिकनेस वाले ग्लास वाला कुकटॉप ठीक होता है। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बर्नर कौन सा सही रहेगा। एक्चुअली इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि बर्नर कैसा होना चाहिए। ब्रास या एल्युमिनियम दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं। मेन चीज है कि बर्नर में होल्स कैसे हैं और फ्लेम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। बर्नर ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा हीट आगे ट्रांसफर करे और खुद न कंज्यूम करे।
ट्रिपल रिंग बर्नर मतलब होल्स की तीन लेयर वाले बर्नर हमेशा ज्यादा अच्छे होते हैं। इनमें फ्लेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है और खाना जल्दी पकता है। एल्युमिनियम बर्नर थोड़ा सस्ते होते हैं और जल्दी गर्म हो जाते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ब्रास बर्नर ज्यादा अच्छे हैं। थोड़ा कॉस्टली होते हैं लेकिन इनकी लाइफ ज्यादा होती है, ज्यादा टेम्परेचर होल्ड करते हैं, एल्युमिनियम की अपेक्षा हीट ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो खाना प्रॉपर पकता है, ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, इनमें जल्दी जंग नहीं लगती और सबसे इम्पोर्टेंट इन्हें क्लीन करना काफी आसान है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कितनी आसानी से हम इन बर्नर को एकदम नया और चमकदार बना सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे मेरे इजी होम मेंटेनेंस और क्लीनिंग के वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। पांचवा पॉइंट है बर्नर के बीच का डिस्टेंस और साइज। अगर बर्नर के साइज की बात करें तो नॉर्मली ये तीन साइज के आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो एज अ थंब रूल अगर आप चार बर्नर वाला कुकटॉप लेने वाले हैं तो एक बर्नर लार्ज, एक मीडियम और दो स्मॉल एकदम परफेक्ट है। वहीं अगर तीन बर्नर वाला कुकटॉप है तो एक लार्ज, एक मीडियम और एक स्मॉल बर्नर सफिशियंट रहेगा। इसमें दो बर्नर के बीच का डिस्टेंस भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर डिस्टेंस नहीं रहा तो आप सारे बर्नर कभी भी एक साथ नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। फ्रंट वाले दो बर्नर के स्टैंड के एजेस के बीच कम से कम 6 सेंटीमीटर और फ्रंट और बैक के बर्नर के बीच में कम से कम 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना जरूरी है। ये डिस्टेंस स्टैंड की एजेस के बीच के है, ना कि बर्नर के बीच के। आप दो बर्नर में एक पर नॉर्मल साइज की कढ़ाई और दूसरे पर 5 लीटर का प्रेशर कुकर रख कर चेक कर सकते हैं कि दोनों पर एक साथ खाना बनाने में प्रॉब्लम ना हो। मैनुअल या ऑटो इग्निशन, ये पॉइंट आपके बजट पर डिपेंड करता है। मैनुअल इग्निशन वाले में लाइटर या माचिस इस्तेमाल करनी होगी गैस ऑन करने के लिए, वही ऑटो इग्निशन में बस नॉब घुमाया और फ्लेम ऑन। ऑटो इग्निशन वाले कुकटॉप थोड़े कॉस्टली होते हैं। मेरे पास अभी मैनुअल इग्निशन का कुकटॉप है, लेकिन जब भी मैं इसे चेंज करूंगी तो ऑटो इग्निशन वाला ही लूंगी। इसमें सेफ्टी ज्यादा होती है और माचिस या लाइटर का झंझट भी नहीं होता। सेफ्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप किसी भी ब्रांड का कुकटॉप पसंद करें लेकिन इस पर ISI मार्क का सर्टिफिकेशन जरूर चेक कर लें। ISI मार्क एक श्योरिटी है मैन्युफैक्चरर की ओर से कि इन्हें तैयार करने में सेफ्टी के सभी नॉर्म्स फॉलो किए गए हैं। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कुकटॉप ऑनलाइन लिया जाए या ऑफलाइन, ये कम्प्लीटली आपकी च्वाइस है। जहाँ भी आपको अच्छी डील मिले, अच्छी वारंटी मिले, वहाँ से लें। लेकिन एक बार ऑफलाइन घर के आसपास वाली शॉप्स पर जाकर कुकटॉप का थोड़ी सी रिसर्च करनी जरूरी है, प्रैक्टिकल फील लेना जरूरी है, आखिर इसे हमें डेली यूज करना है तो मॉडल, साइज, प्राइस का ऑफलाइन अच्छा आइडिया मिल जाएगा। फिर आप सेम मॉडल ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जहाँ से सस्ता मिले खरीद ले। एक बात का ध्यान रखें कि वारंटी जरूर चेक कर लें। नॉर्मली कुकटॉप पर 1 से 2 साल की वारंटी होती है और इनके बर्नर्स की 3 से 5 साल की। जहाँ से आपको प्राइस और वारंटी बेहतर ले वहीं से ले। इसके अलावा कंट्रोलिंग नॉब्स भी जरूर चेक कर ले। नॉब्स बंद करने पर प्रॉपर लॉक हो जाए, यूज करने में कंफर्टेबल और स्मूथ होने चाहिए और हाथों पर इनकी ग्रिप अच्छी होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जरूर एक सुंदर, टिकाऊ और कंफर्टेबल कुकटॉप घर ला पाएंगे। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में। बाय बाय।